धन धन सत्य गुरु तेरा ही आसरा। 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 धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, नाम चर्चा का समय हो चुका है। जो भी साध संगत अभी तक बाहर है, आप जल्दी से आकर नाम चर्चा पंडाल में बैठें जी। साध संगत से प्रार्थना है, सभी साध संगत ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नाम चर्चा पंडाल में बैठना है जी। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, नाम चर्चा का प्रोग्राम शुरू है जी। सब ने जोर से नारा लगाना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे MSG, आप जी से अरदास है कि हमारे MSG संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हमारे गुरु हम सब के बीच देह रूप में जल्दी से जल्दी आए और हमें अरबों गुना खुशियां बख्शें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
मेरे हाथों में मेहंदी लगा ली है, तेरे नाम की मांग सजा ली है। मेरे हाथों में मेहंदी लगा ली है, तेरे नाम की मांग सजा ली है। आजा तेरी न कर माही, आजा तेरी न कर माही। झलक कर गई रे तेरी मुझ पे जादू, एक झलक कर गई रे तेरी मुझ पे जादू। रब इश्क को देगा जो बन आया था साधु, तूने दृष्टि मुझ पे ऐसी डाली रे, मैं बन गई तेरी सवाली रे। आज तेरी न कर माही, आजा तेरी न कर माही। मीठी मीठी वाणी तूने मुझे अपना बनाया, बोल मीठी मीठी वाणी तूने मुझे अपना बनाया। प्यार का पाठ बड़ा तूने मुझे पल में पढ़ाया, मेरी रूह रमज तेरी पा गई है, तेरी हस्ती मुझ पे छा गई है। आजा देरी न कर माही, आजा देरी न कर माही। मेरे हाथों में मेहंदी लगा ली है, तेरे नाम की मांग सजा ली है। आजा देरी न कर माही, आजा देरी न कर माही। पाके गहने मैं सज गई रे तेरे लिए ओ साजन, पाके गहने मैं सज गई रे तेरे लिए ओ साजन। बना ले मुझे तू महारानी रे मेरे प्यारे राजन, मैंने सज तेरे लिए सजा ली है, तुझे पाने की विधि बना ली है। आजा तेरी न कर माही, आजा तेरी न कर माही। पल में पुकार तूने सुन ली दो जहां के महाराजा, पल में पुकार तूने सुन ली दो जहां के महाराजा। दर्श का जख्म दिया ऐसा रहे दो जहां ताजा, तूने इश्क की चुनरी ओढ़ा दी है, मुझे अपनी सुहागन बना ली है। आजा देर न कर माही, आजा
तेरे न कर माही। सतनाम मस्तान पिया की मीत सदा सुहागन, सतनाम मस्तान पिया की मीत सदा सुहागन। पल भी ना होए दूर मुझसे मेरा प्यारा साजन, मीत को पिया ने पूरी अपना ली है, हस्ती मुझ में खुद की बना ली है। आ गए पल मेरे माही, आ गए मुझ मेरे माही, आ गए पल मेरे माही, समा गए मुझ मेरे माही। मैंने हाथों में मेहंदी लगा ली है, तेरी नाम की मांग सजा ली है। मैंने हाथों में मेहंदी लगा ली है, तेरी नाम की मांग सजा ली है। आज तेरे नगर माही, आजा तेरे नगर माही, आजा तेरे नगर माही, आजा तेरे नगर माही। मुरीद शिष्य जब उस परमपिता परमात्मा के प्यार में मोहब्बत में चला करता है, तो जैसी उसकी भावना, जैसी उसकी श्रद्धा ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उस पे उस सतगुरु मौला का रहमो करम मूसलाधार बरसता नजर आने लगता है। रूहानियत में, सूफियत में भावना की बहुत महत्ता है। जिनकी भावना शुद्ध होती है, जिनकी भावना प्रबल होती है, वो अल्लाह मालिक राम पिया को पा जाया करते हैं। और उसकी कृपा को, उसकी रहमत को पाने के लिए इंसान को ना तो पैसे की जरूरत रहती है, ना अलग दिखावे की जरूरत रहती है, ना ही कोई वेशभूषा की जरूरत रहती है। जो अपने परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो उसके नाम का कलमा अभ्यास करते हैं, उसके नाम का जाप किया करते हैं, और उसके नाम से उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मालिक के प्यार में इंसान खो के भी सब कुछ पा जाता है। रूहानियत में जो डूबता है वो तैर जाता है, और जो तैरता है वो डूब जाता है। यानी जितनी दीनता, नम्रता, दया इंसान अपने दिलो दिमाग में रखता है, उतना ही वो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला की निगाह में ऊपर उठ जाता है। जितना अहंकार, खुदी, झूठ, कपट का सहारा लेता है, उतना ही वो नीचे गिर जाया करता है। तो इस संसार में लोग तैरते हैं झूठ के सहारे, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के सहारे, छल कपट के सहारे। बड़ा उनका नाम, बड़े लोग, उनको अदब, बड़ा कुछ होता है, लेकिन आखिर में ऐसा डूबता है वो कि कुलें डूब जाती हैं। दया, रहम, दीनता, नम्रता जिनके गहने होते हैं, वो एक दिन जरूर परमपिता परमात्मा को पा जाया करते हैं।
तो इसलिए दया रहम की भावना अपने अंदर रखो, दया रहम को अपनाओ और उस परमपिता परमात्मा के अगर कोई पतिव्रता बने तो बारे न्यारे हो जाए। पतिव्रता किसे कहा जाता है? क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे देश की सभ्यता है, होना ये चाहिए कि पतिव्रता और पत्नी व्रता भी होना चाहिए। एक ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? एक सारा टाइम दूसरे इंसान के लिए तड़पता है, भावना रखता है, तो दूसरे को भी उस भावना की कदर करते हुए वैसा ही होना चाहिए। तो पुराने समय की एक सच्ची बात आपको कई बार सुनाया करते हैं कि एक बादशाह बहुत प्यार करता था अपने बगीचे से। बहुत सुंदर पेड़ थे, खूबसूरत फल लगते थे, और एक पेड़ ऐसा था बादशाह जिसके पास जाके अपनी भड़ास निकाल लेता था या अपनी बातचीत उससे साझी करता था। बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी उससे, जरूर उसके पास जाके बैठता था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो पेड़ सूख गया, सूखना शुरू हुआ और सूखता चला गया। तो उनके गुरु थे बादशाह के, राजा के, वो आए तो बादशाह को उदास देखा, कहते आप उदास क्यों हैं? कहता मेरा सबसे अच्छा जो दोस्त था उसका ये हश्र हुआ है, ये कैसे ठीक होगा? गुरु मुस्कुराए, कहते कोई बात नहीं, कोई पतिव्रता औरत हो, उसके पास छोटा बच्चा हो, उसको फीड देती हो, दूध देती हो, उसके दूध को पानी में मिला के अगर इस पे छिड़काव कर दिया जाए तो ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। राजा ने हाथ जोड़ दिए, गुरुजी हम कहाँ से लाए हैं पतिव्रता, हमें क्या पता कौन पतिव्रता है, आप गुरु हैं, फकीर हैं, आप कृपा कीजिए। तो उसने कहा कि बादशाह आपके फलां जगह पे एक मशहूर है औरत, आप उसको बुला लें। औरत को बुलाया, छोटा बच्चा था, उसने वो बच्चे को दूध देते देते दो बूंदे चार बूंदे पानी में डाल दी, पानी का छींटा दिया गया, कहते सारा पेड़ हरा हो गया लेकिन एक टहना, एक बहुत बड़ा टहना ज्यों का त्यों सूखा रहा। बादशाह को बड़ा दर्द हुआ, कहने लगा गुरुजी ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है, सारा हरा भरा हो गया लेकिन ये जो एक टहना है ये बड़ा ही गंदा लगता है, ये ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी मुस्कुराए, कहते बहन से पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ। तो उन्होंने उसे बुलाया, पूछा, संत कहने के बेटा ये बताओ ऐसा क्यों हुआ? कहने लगे गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं पतिव्रता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक दिन शाम का समय था, मैं अपने बच्चे के साथ खड़ी थी जो बड़ा बच्चा है, थोड़ी धुंध थी, थोड़ा अंधेरा सा छाने लगा था, लाइट थी ऐसा कुछ नहीं था, सूर्य था अभी, तो सामने से एक आदमी आ रहा था जो बिल्कुल मेरे पति जैसा था। मैंने बच्चे को कहा देखो तेरे पापा आ रहे हैं, लेकिन जब वो नजदीक आया तो वो कोई और था, वैसे डील डॉल, वैसे शरीर, सब कुछ वैसी चाल। तो वो एक धब्बा मेरे पतिव्रता पे लगा जिसकी वजह से ये हरा भरा पेड़ तो हरा हो गया लेकिन एक टहना सूखा रह गया। तो भाई उस परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला का जो कोई हो जाता है उसके दिलो दिमाग में किसी और के लिए वो जगह नहीं रहती जो अपने सदगुरु मौला के लिए होती है। सारी भावना सर्वश्रेष्ठ भावना, सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत
वो अपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला को करता है, उसे कहा जाता है रूहानियत में पतिव्रता। ऐसा कोई बने, ऐसा बन के कोई चले, तो यकीनन उसकी कुलें तक का उद्धार होता है और उसके ऊपर मालिक का रहमो करम बरसता उसे नजर आता है। आखिर एक दिन नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं और जर्रे जर्रे में कण कण में वो सतगुरु के नजारे नजर आने लगते हैं। तो यहां तक दुनियावी तौर पे है, लोग करवा चौथ रखते हैं, सुबह सवेरे चूरमा ठोक लेते हैं, 10 दिन का भोजन 2 घंटों में रगड़ देते हैं और सारा दिन खाली पेट रह के दिखाना, और फिर दिन में भी फ्रूट वगैरह लाओ जी, ये लाओ जी, शाम का इंतजाम दोपहर को ही शुरू हो जाता है। और इस दिन दुकानों पे जाके देखो, आपको लगेगा ही नहीं बर्त, ऐसे लगता है कि भाई खाने पीने का आज कोई कंपटीशन होने वाला है। वहाँ ढेर लगे पड़े होते हैं साजो सामान के, और फिर बेचारे पति के पैसे जो आम तनख्वाह वाला है, पहले ही सुबह सवेरे ही कई दिनों की रगड़ देती हैं माता बहनें फी उसकी जो वेतन है, तनख्वाह है, और शाम को भी अगर ना ला के दे तो कहते हैं आपको पता नहीं है, आपकी लंबी उम्र के लिए कर रहे हैं, बेचारा मरता क्या ना करता। फिर ला के देता है बहुत सारा सामान, बस अभी चंद्रमा निकलेगा और फिर कंपटीशन शुरू होगा खाने का। तो ये हमें समझ नहीं आती, ये व्रत क्या मतलब। व्रत रखो, अगर व्रत सही तरीके से रखोगे तो उसका फायदा भी है कि सारा दिन गुनगुने पानी पे रहो, सुबह कुछ ना खाओ। ये थोड़े ना 3 बजे उठ के पेट इतना भर लेते हैं, इतना तो ऊंट ना उठाए बोरे में वजन, आंतड़ियां इतनी भर जाती हैं उनको हिलने की जगह नहीं मिलती, इसलिए दोपहर को खुराटे मारते हैं माता बहन जो भी कोई व्रत रखता है। और कहाँ गर्म पानी पे रहना चाहिए, सुबह से कुछ ना लो, ठीक है ताज़ा पानी फ्रेश वाटर जो होता है गुनगुना तो उस पर रहें, आंतड़ियों की सफाई होती है, परमपिता परमात्मा की याद आती है। और शाम को जब व्रत तोड़ो, जब भी आप तोड़ना चाहो 24 घंटे 12 घंटे के बाद, तो उसके बाद बिल्कुल हल्का फुल्का कोई भोजन लो, तो यकीनन वो खाने से शरीर तंदुरुस्त होता है, मालिक की याद आती है। और हमें लगता है कि बहनें रखती हैं तो भाइयों को भी एक दिन रखना चाहिए। क्योंकि अगर पत्नी पति व्रता है तो पति पत्नी व्रता का होने में शर्म क्या है। हम सुना करते थे ये तो पत्नी का गुलाम है, तो इसका मतलब पत्नी आपकी गुलाम रह सकती है, आप नहीं बन सकते। बड़ी हैरानी होती है, गुलाम कोई किसी का नहीं होता। प्यार मोहब्बत का ये रिश्ता होता है ना पति ना पत्नी। जब तक विचार मिलते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है, विचार नहीं मिलते तो कहते गड़ पे ढोल बजाना पैंदा है, वो बड़ी बात है। सो दोनों को बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए। तो जरूरी है कि एक दिन पति महोदय भी व्रत रखें, वो भी उस तरह रहा करें ताकि बराबर का प्यार बराबर। आज हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि दोनों का हक बराबर होता है, पर यहाँ पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ तो बेइज्जती हो जाती है आदमी की, मूंछें नीचे हो जाती हैं। अगर वो ये सोच ले कि यार मैं पत्नी से सलाह करूँगा, कोई नहीं कहता बाहर, डरता मारा, कोई बात चल रही हो यार ये काम करना है, कहता सोच के बताऊँगा, ये नहीं कहता कि मैं पत्नी से पूछ के बताऊँगा, डरता मारा कहेंगे ये गुलाम है। गांव में देखा है हमने बड़े बड़ों को ऐसे होते देखा है, तो इसमें शर्म की क्या बात है। क्या औरतों ने देश पे राज नहीं किया, क्या उन्होंने कई की देशों के हेड नहीं कहलाई, तो क्यों ऐसा क्यों। तो राय लेनी चाहिए घर परिवार में बैठ के, एक जैसा सम्मान करना चाहिए, पुरुष को औरत का, औरत को पुरुष का, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो गृहस्थ जिंदगी बड़े सुखमय ढंग से गुजरेगी। लोगों का क्या है, अगला ही डब्बू कुत्ता कंते, इनका तो काम ही है उंगलियां लगाना, जो आदमी को देखते बस बस, ताकि वो पीटे उसको। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
और रही बात अगर परमपिता परमात्मा के लिए ये चीज़ आप निभाना चाहें तो प्रेम करना कहना सौखा तो निभाना बड़ा औखा, ये तलवार की धार पे चलने की मानिंद होता है। ये नहीं साइयां किते ते बधाइयां किते, ये कहावत है पंजाबी की, लाइयां किते ते बजाइयां किते, ऐसा नहीं होना चाहिए। दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ मोहब्बत के साथ आप आगे बढ़िए। सत्संग बहुत सी है जो हफ्ते में एक दिन व्रत रखती ही रखती है, 24 घंटे का रखती है वक्त, और जो भी खाने का पैसा होता है या जितना भी खाना होता है वो उनको देते जो लाचार अंगहीन अपंग होते हैं, और हम कहते हैं इससे बढ़िया व्रत कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। जो आपके पेट में भोजन नहीं गया वो उनके पेट में गया, और उनकी दुआएं आएंगी, वो फूड बैंक में चला जाता, और फूड बैंक वाले पूरा पूरा महीना जो आर्थिक तौर पे तंग हैं, अंगहीन अपंग हैं, उनको पूरे महीने का राशन देते, उसमें आपका भी हिस्सा होता है, तो बहुत फल मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। और जो भी आज व्रत रखा है, जैसा आपको बोला कि व्रत खोलना कैसे होता है और कैसे आप उस व्रत का दीन दुखियों तक अपना पैसा या खाना पहुंचाते हैं, तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। सो सबके घरों में खुशियाँ आएँ, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, और वाकई रूहानियत में पतिव्रता आपको मालिक जरूर बनाए, उस अल्लाह मालिक सतगुरु मौला की खुशी दें, बचनों पर आप पक्के रहें तो अंदर बाहर कोई कमी ना छोड़े, बरकत दे मालिक, ये मालिक से दुआ है। और जब भी आपका समय है, जब भी आपको दिल करे, आप नारा लगा के अपना व्रत खोल सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम चर्चा का समय सोमवार से शनिवार तक रोजाना सुबह 11 बजे से 12 बजे तक है, और हर इतवार को नाम चर्चा का समय 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक है जी। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पूज्य गुरु जी के हुक्म अनुसार नाम चर्चा की अब समाप्ति है, सभी को जाने की आज्ञा है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।